जब सुखोई गरजेंगे। सुनाई देगी राफेल तेजस की दहाड़। आसमां के छोर पर दुनिया देखेगी हिंद के वायु वीरों की अपार शक्ति। इस बार एयरफोर्स डे के मौके पर प्रयागराज के बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर वायुवीरों का दमखम दिखाई देगा। इसके लिए एयर शो की जबरदस्त और जोरदार रिहर्सल की तस्वीरें देखने को मिली हैं। आज सेंट्रल कमांड बमरौली में वायुसेना के योद्धाओं की परेड रिहर्सल की शुरुआत हुई। इसके बाद पैराहैंड ग्लाइडर के साथ वायुवीर हवा में 360 डिग्री पर करतब करते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में मार्च पास्ट, मिलिट्री बैंड प्रदर्शन, ड्रिल फ्लाई पास्ट भी होगा। इस परेड में अग्निवीर से भर्ती हुए जवान भी शामिल होंगे। इसमें कुछ महिला अग्निवीरों को भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही खास बात यह है कि प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के सबसे अहम फाइटर जेट्स में शुमार MiG-21 को विदाई दी जाएगी। हर साल भारतीय वायुसेना अपने स्थापना दिवस को बेहद जोश के साथ सेलिब्रेट करती है। इस दिन न सिर्फ भारत के वायु वीरों का दमखम दिखाई देता है बल्कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग मशीन्स का शोर भी पूरे आसमान में गूंजता है। इस बार एयरफोर्स डे के मौके पर प्रयागराज के बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर वायुवीरों का दमखम दिखाई देगा। इसके लिए एयर शो की जोरदार रिहर्सल हुई जिसकी तस्वीरें देखने को मिली। फुल ड्रेस रिहर्सल है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है जो हमारे स्कूली बच्चों ने यहाँ आके भाग लिया है और उन्होंने देखा है ये शो, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्होंने वायु सैनिकों का जो मनोबल बढ़ाया है, एयर वॉरियर्स की खुशी देखने लायक थी जब बच्चे ताली बजा रहे थे। सेंट्रल कमांड बमरौली में वायुसेना के योद्धाओं की परेड से रिहर्सल की शुरुआत हुई। एयरफोर्स के जवानों की परेड मार्च के बाद पैरा हैंड ग्लाइडर के साथ वायुवीर हवा में 360 डिग्री पर करतब करते दिखे, जिसमें पैरा जंपिंग से लेकर पैरा ग्लाइडिंग तक के हैरत अंगेज कारनामे शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में मार्च पास्ट, मिलिट्री बैंड के साथ कमांडो कॉम्बैट ड्रिल भी देखने को मिलेगी। 8 अक्टूबर को इसके लिए बमरौली स्थित मध्य कमान सेंटर में जहां परेड होगी और इसके साथ साथ संगम में एयर शो आयोजित किया जाएगा, उसके पहले आज यहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। फुल ड्रेस रिहर्सल का आप नज़ारा देख सकते हैं कि बमरौली के मध्य कमान सेंटर में यहां पर परेड आयोजित की जा रही है और पहली बार अग्निवीरों की जो पहली टोली है महिलाओं की वो इसमें शामिल की गई है और इसके साथ साथ वायुसेना के बैंड की धुनों पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके बाद शुरू होगा प्रयागराज के आसमान पर इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग मशीन का फ्लाई पास्ट। फ्लाई पास्ट में चेतक और शिनूक हेलीकॉप्टर्स का दमखम दिखाई देगा, तो साथ ही राफेल, तेजस और सुखोई 30 की दहाड़ से न सिर्फ आसमान गूंज उठेगा बल्कि ये पल बेहद रोमांच भर देने वाला होगा। ये पल देश की ताकत पर गर्व पैदा करने वाला होगा। 100 से ज्यादा हवाई जहाज भाग लेंगे। यह शो संगम घाट, अरैल घाट, झूसी की तरफ वाला घाट, शास्त्री बीच, इस सभी जगह से देखा जा सकता है। इसमें विंटेज हवाई जहाज जैसे कि हमारा टाइगर मौत है, हमारा हार्वर्ड ट्रेनर है, उसके अलावा हमारे पास जो डकोटा हवाई जहाज है ये भी वहाँ पे प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसके अलावा हमें हमारी आकाशगंगा टीम वहाँ पे अवतरित होगी जो आधुनिक जहाज है जैसे Su-30, रफाल और अपने ही देश में बना तेजस हवाई जहाज, ये सब वहाँ देखने मिलेंगे। IL-78 होगा, C-130 होगा, आप नाम बताएं वो जहाज हमें संगम नगरी में देखने को मिलेगा। सभी स्पेक्टेटर्स से मेरा निवेदन है कि ट्रैफिक रूल्स को और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स को काइंडली फॉलो करें। आज की निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट निखिल प्रधान। जवानों के परेड मार्च के बाद
दोपहर 2:30 बजे से संगम पर विमानों का हैरतअंगेज फ्लाईपास्ट शुरू हो जाएगा। संगम नगरी के लोग वायुसेना के इस शानदार एयर शो के साक्षी बनेंगे। संगम के चारों तरफ अरैल घाट, झूसी, शास्त्री पुल और आसपास के इलाकों से भी आप भारतीय वायुसेना के दमखम के साक्षी बन सकते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसके बाद हर साल भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस अलग अलग शहरों में मनाती है। ये पहला मौका है जबकि संगम नगरी प्रयागराज को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाने का मौका मिला है। वायुसेना के विमान हैं, वो यहाँ पर एयर शो करेंगे और इस कार्यक्रम में भी तमाम वीवीआईपी मेहमानों के आने की संभावना है, जिसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। फिलहाल अभी सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की गवर्नर आनंदी बेन पटेल के आने की यहाँ पर सूचना मिली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो दिव्य और भव्य तरीके से हो और सुरक्षित हो, इसको लेकर सभी तैयारियां वायुसेना से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट ने पूरी की है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। करीब 59 साल लंबी सेवा के बाद MiG-21 अपने आखिरी एयर शो में शामिल होने जा रहा है। एयरफोर्स डे के दिन MiG-21 को भव्य तरीके से अंतिम विदाई दी जाएगी। जिस फ्लाइंग मशीन ने 59 साल तक इंडियन एयरफोर्स को न सिर्फ बेइंतहा ताकत दी बल्कि पाकिस्तान के साथ 65 के युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, अब उस MiG-21 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना अलविदा करने जा रही है। एयरफोर्स डे पर प्रयागराज में होने वाले भारतीय वायुसेना के एयर शो में सबसे अहम फाइटर जेट्स में शुमार MiG-21 को विदाई दी जाएगी। तेजस विमान देखने को मिला, नए नए तरीके विमान जिनके बारे में नॉलेज भी ना हो उनको देख करके मतलब अमेजिंग था जी। हम लोग के लिए तो बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे जो इंडियन एयरफोर्स में हैं उन्होंने इतना अच्छा करतब दिखाया। मेरे हस्बैंड भी हैं एयरफोर्स में ही हैं, इसलिए हम लोग के अंदर से और भी एक्साइटमेंट था। MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1964 में शामिल हुआ था। भारत ने इस विमान का पहली बार 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इस्तेमाल किया था और इसके बाद ये कई बेहद अहम ऑपरेशंस का हिस्सा भी रहा। सबसे बड़ी बात है कि जो एयर शो है, एयर शो में भारतीय जो वायुसेना है उसके जो तमाम विमान हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा, चाहे वो चेतक हो, रफेल हो और MiG-21 जो कि भारतीय सेना से अब वायुसेना से विदाई लेने जा रहा है उसका आखिरी शो 8 अक्टूबर को किया जाएगा। इसको लेकर सभी तरह की यहां पर तैयारियां की गई हैं और तमाम जो वायुसेना के विमान हैं वो यहां पर एयर शो करेंगे। वायुसेना दिवस पर MiG-21 को विदाई दी जाएगी। एयर शो के आखिर में हवा में डूबते सूर्य की ओर कई लड़ाकू विमान इसे विदाई देंगे ताकि अपने सबसे अहम योद्धा को एयरफोर्स का हर जवान आखिरी सलामी दे सके और ये पल यादगार बन जाए। MiG-21 ये संभावना है कि एयर शोज में आगे से भाग नहीं लेगा, हो सकता है विश्व का ये आखिरी MiG-21 का एयर शो में भाग लेना हो सकता है और इसमें आप MiG-21 को हमारी तरफ से एक बेहतरीन और यादगार विदाई दी जाएगी और ये बाइसन हवाई जहाज को दी जाएगी। MiG-21 वायुसेना के बेड़े से पहले ही बाहर हो चुका है। दरअसल दुश्मन के दांत खट्टे करने में ये फाइटर प्लेन जितना खतरनाक साबित हुआ, दुर्भाग्य से इस जेट के साथ एक के बाद एक हादसों की वजह से धब्बा भी लगा है। इन हादसों को लेकर वायुसेना ने एक लंबे वक्त के बाद पूरे मिग स्क्वाड्रन को ही पिछले दिनों उड़ान भरने से रोक दिया था। अब बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले एयर शो में MiG-21 आखिरी उड़ान भरने जा रहा है।
हालांकि ये पल बेहद भावुक भी होगा, लेकिन अपनी खतरनाक फायर पावर और शानदार तकनीक वाला ये जेट हमेशा ही भारतीय शौर्य और पराक्रम के इतिहास से जुड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।